दोस्तों अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट अवेलेबल है, चाहे 1, 2, 5, 10 कितने भी 2000 रुपए के करेंसी के नोट हैं, तो आज का ये वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर जो कि भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली निकल कर आ रही है, आपको जानना बेहद जरूरी है, वरना खामखा आपको परेशानी हो सकती है और फिर तकलीफ उठानी पड़ सकती है। या देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लेटेस्ट खबर पब्लिश हुई है ये वेब दुनिया की तरफ से, अभी आर्टिकल लगाया गया, मैं यहीं से आपके साथ इस चीज को शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छी और रेपुटेड वेबसाइट है, इंडिया में 594 एलेक्सा रैंक की सबसे पढ़ी जाने वाली न्यूज साइट है, जिसकी तरफ से खबर लगाई गई कि क्या 2000 रुपए के नोट को बंद करने जा रही सरकार। तो इसकी जो खबर है उसको पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कि क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट और डिटेल्स निकल कर आ रही है। इससे पहले अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें, तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया फटाफट से इस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास में आपको मिलेगा एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन, उसको भी दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की खबरों से हमेशा अलर्ट और अपडेट रह पाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले जानते रहते हैं डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस। तो आज का आपका प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी भारत में चलने वाले सिक्कों में सबसे बड़ा सिक्का कितने का है। आपको मैंने ऑप्शन भी दिए हैं ABCD, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। तो इनमें से सबसे बड़ा सिक्का कौन सा है जो चलता है हमारे मार्केट में, इंडिया में करेंसी के रूप में। तो जल्दी से उसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख डालना और बन जाना टॉप विनर, क्योंकि सही जवाब लिखने वालों को मिलेगा डीएलएस न्यूज की तरफ से कंबाइजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसका गिव अवे कमेंट बॉक्स में से रैंडम यूजर सेलेक्ट करके करते हैं। चलिए अब मैं आपका कीमती टाइम जाया ना करके सीधा ले चलता हूं इस खबर और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बुधवार को मोदी सरकार से कहा कि वह देश भर में नोटों की कमी के पीछे का वास्तविक कारण बताएं, और यह भी बताएं कि उसकी योजना 2000 रुपए के नोट को बंद करने की है क्या। वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के सदस्य त्रिवेदी ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि नोटों की कमी का वास्तविक कारण यह है कि सरकार ने शायद 2000 रुपए के मूल्य के करेंसी नोट को बंद करने का फैसला लिया है। तृणमूल नेता ने नोट की कमी के पीछे की हकीकत पर सरकार से तत्काल बयान की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को जानने का हक है और लोकतंत्र में आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। त्रिवेदी जी ने सवाल किया कि क्या 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया है, सरकार को लोगों से तथ्य नहीं छिपाने चाहिए। तृणमूल नेता ने कहा कि खुद उन्हें पिछले कई माह से बैंक से उच्च मूल्य के करेंसी के नोट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने 2016 की नोटबंदी की कवायद का जिक्र करते हुए कहा कि 1000 और 500 रुपए के नोट को प्रचलन से हटा दिया गया और तब धन के परिणाम की भरपाई के लिए 2000 रुपए के नोट लगाए गए। उल्लेखनीय है कि अनेक विपक्ष पार्टियों ने नोटों की कमी पर मंगलवार को सवाल भी खड़े किए थे। ऐसे में दोस्तों फाइनलाइज अपडेट जो निकल कर आता है, कल भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अपडेट दिया था जिसमें बताया था कि 2000 रुपए के नोट जो है एक्चुअली प्रचलन से बंद नहीं होंगे, हालांकि इनकी सप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा और सरकार की तरफ से 2000 रुपए के नोट पर जो भी अपडेट आएगा मैं डीएलएस न्यूज पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि आपको कभी कोई नुकसान नहीं हो ऐसी मेरी उम्मीद रहती है। तो आज का ये अपडेट उम्मीद आपको मिल गया होगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दिए, और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।